हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास टेंथ के स्टूडेंट और आप लोग का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है कल, तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस पेपर से अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर करके जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आपके इसका ऑप्शन हमने बताया है वो हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन सेम रहने वाला है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। द पोएम थिनर देन क्रेस्ट हैज़ बीन कम्पोज, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विद्यापति। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो दिस पोएम इन द फॉर्म ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिस्ट्रॉय, सॉरी डेस्टोरी। अगला है द पोएम डील्स विद द पिटिएबल कंडीशन ऑफ राधा। अगला है राधाज फ्रेंड रन्स टू रिपोर्ट, तो राधाज मदर। अगला है राधाज टीयर्स कार्व्ड ए रिवर। अगला है द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन कम्पोज बाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिस्सेमी थोरन। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो यहाँ है द पोएम इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ तमिल पोएम, तो इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। और ऐसे भी 60 क्वेश्चन में से 50 करना है तो एक मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अगला है द मैन हैज़ डेमन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिज़ायर। द कोयल इज़ द सर्च ऑफ हिज बिलव्ड। अगला है द कोयल इज़ रेस्टलेस। अगला है टू अवॉइड अननेसेसरी रिमर्स ऑफ बैंकर्स लुक्ड एट द पेपर इन हिज सेफ। अगला है एक्सक्यूजन किल्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंस्टेंटली। अगला है कैपिटल पनिशमेंट किल्स बाय, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हैंगिंग। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है वेयर वाज मिस्टर ग्रीजर्स शॉप सिचुएटेड, तो एट ए स्ट्रीट है। अगला है स्लो स्टारवेशन वाज द कॉज ऑफ ग्रीजर्स, तो लाइंग ऑन द सिक बेड। अगला है सन एंड मून हैज़ बीन कंपोज, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैथरीन मैंसफील्ड। अगला है मून इज़ हेयर, तो ये हो जाएगा गर्ल यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है हु हैज़ रिटन दिस एसे व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सत्यजीत राय। अगला द ऑथर पॉइंट्स ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन फिल्म्स यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला लेट अस फेस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियलिटी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो इंडियन म्यूजिक इन सिनेमा इज़ लार्जली, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इम्प्रोविजिशनल। अगला है द रॉ मटेरियल्स फॉर द सिनेमा इट लाइफ इट सेल्फ। अगला है आफ्टर ऑल वी डू पॉजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। अगला है डैश दिस लैक ऑफ द मेटर्निटी कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द सेवरल फैक्टर्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नो डाउट। हु स्टार्ट्स टू गिव स्पीच, तो ये हो जाएगा आंग सान सून की। अगला हम लोग देखेंगे तो हु वॉन द नोबल पीस प्राइज, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑन सान सू की। अगला है हु कंटिन्यूंग टू सैक्रीफाइस, तो ये हो जाएगा पीपल ऑफ बर्मा। अगला हम लोग देखेंगे तो हु आर बीटन द डिजोनर्ड इन बर्मा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फार्मर्स। अगला द लवली स्ट्रगल इज टेकिंग प्लेस इन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रंगून। द एक्सेप्शन स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवर्ड डैश ऑन संगीत द ऑथर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है सरकमस्टेंस डू नॉट परमिट डैश टू बी देयर इन पर्सन, तो ऑन सान सुकी। अगला है वंस अपॉन ए टाइम हैज़ बीन रिटेन, इसमें से आपका कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। अगला है द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड बट इंटेलिजेंट। अगला है द ओल्ड वुमेन वाज द डॉटर ऑफ स्लैप्स। अगला हम लोग देखेंगे तो वन ऑफ द यंग पीपल चूज टू ओल्ड वुमेन एज ए पोएट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज अलोन इज, तो ये हो जाएगा इसका मेडिटेशन। अगला है दे पास इट फ्रॉम द माउथ टू माउथ। अगला चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट फंक्शनल मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका अगर देखिएगा तो व्हाट ए विक्ट्री, और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स है। हाउ ओल्ड ही इज़, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स इसमें होना चाहिए, तो वो है। उसके बाद राइट द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ कंप्लेंट इसका हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रेटफुली, इस तरह से लिखाता है मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो नोबडी लिसन्स मी इसका हो जाएगा। अगला है उन्हें केवल अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, तो ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज ओपन। अगला है हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, लेट अस फेस द ट्रूथ, उन्हें ऐसा करने दो, लेट हिम डू सो। दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू आर फोर। अगला है नाइदर एवा नोर हर ब्रदर डैश प्रेजेंट, तो वाज प्रेजेंट हो जाएगा। इच स्टूडेंट्स डैश गिवन
ए बुक, तो ये हो जाएगा हैव ब्रेड एंड बटर डैश माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। तो आर अगला है, यहाँ पे हमने 51, 52, 53 इसको छोड़ दिया है, 54वां नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे द रैट इज़ अफेड ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। कैट सी हैज़ नो कॉम्पेसेशन फॉर मी, उसके बाद है सी डांसेड विथ जॉय। अगला ही इज़ नोन टू मी। अगला है ब्रेक इनटू, तो इसका हो जाएगा डिजॉल्व गिव अप, तो हो जाएगा स्टॉप। अगला हम लोग देखेंगे तो गो इनटू, तो इसका हो जाएगा ड्रोन। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। उसके बाद है राइट ए पैराग्राफ और राइट एन एप्लीकेशन टू टेलीफोन ऑथराइज अबाउट डेड टेलीफोन्स। अगला है, अगला हम लोग देखेंगे तो राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद इन विथ 80 वर्ड्स, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, उसके बाद डॉरी सिस्टम ऑफ इंडिया, माई हॉबी एंड आइडियल टीचर। उसके बाद ये सारा में से आपको किसी एक पर लिख लेना। उसके बाद ये पैसेज पढ़ना है, वंस कॉज ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज डॉट डॉट कॉज इलनेस, इफ वी वांट टू सी हाउ डॉट कॉज डिजीज वी नीड ए माइक्रोस्कोप, व्हेन वी लुक एट सम डॉट थ्रू ए माइक्रोस्कोप वी कैन सी जर्म्स, डॉट इज फुल ऑफ जर्म्स बट दे आर टू स्मॉल टू सी विदाउट माइक्रोस्कोप, थ्रू दे आर वेरी स्मॉल, दे आर अलाइव, दे कैन गो इनसाइड थिंग, व्हेन जर्म्स गो इनसाइड फ्रूट्स एंड फ्रूट्स बिकम रोटेन, वी कैनॉट ईट देम, व्हेन जर्म्स गेट इनसाइड मिल्क द मिल्क बिकम सोर, वी कैनॉट ड्रिंक इट, व्हेन जर्म्स गो इनसाइड आवर बॉडी वी बिकम इल। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग को उसी पैसेज में से पढ़ करके आंसर करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर भी आप लोग देखिएगा तो इसी का पैसेज है, वो क्या है, महमूद गजनबी वाज ए किंग ऑफ ग्रेट फेम, ही वाज रिनोव फॉर हिज ब्रेवरी एंड कॉरेज, ही, तो यहाँ पे आप लोग इसका पैसेज पढ़ करके इसका आंसर करना है। उसके बाद सेक्शन सी की बात किया जाए तो आंसर एनी फाइव ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे वाई इज राधा कन्फ्यूज। अगला है व्हाट डज सिल्वर पचर सिम्बलाइज इन द पोएम व्हाट वेयर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बेट। उसके बाद ग्रेसर वाज नॉट सक्सेसफुल इन, तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें से केवल 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपका, पहला एक ही क्वेश्चन है जिसमें से आपको आंसर करना है, एक और में दिया हुआ है। व्हाट डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर। उसके बाद इज डेमोक्रेसी ए सक्सेस ऑफ सक्सेस और फेलियर इन इंडिया, गिव द रीजन। तो आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर खुद से कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर इसका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, तो हो सकता है सुबह में आप लोग का इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।